أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सिलेबस से मुताल्लिक बताया था, आपकी बुक आपको दिखाई थी कि आपकी बुक में क्या है, किस तरह की चीज़ें सब बताया था। ठीक है, तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है आपकी इस्लामियत की किताब, पुरानी आया, हदीस और मौजूआत मुताल्लिक। ठीक है, इसी तरह उसके बाद मैंने आपको पेपर की तकसीम, इम्तिहानी तकसीम भी बताई थी और वो भी बताया था, सिलेबस बताया था। ठीक है, तो देखें, ठीक है, सिलेबस भी बताया था आपको मैंने। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में सूरह अनफाल का तारुफ बताया था कि सूरह अनफाल जो है वो मदनी सूरत है। ठीक है, मदीना में नाजिल हुई और आज मैं इसका मजीद आपको तारुफ बता रही हूँ, इसका शान नुज़ूल बता रही हूँ। ठीक है, वो और से सुन लीजिएगा, फिर हम आयतें पढ़ेंगे अपनी। ये सूरत जो थी तकरीबन सन 2 हिजरी के, ये सूरत तकरीबन सन 2 हिजरी के आसपास मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है और इसके बेशतर मज़ामीन जंगे बदर और उसके वाक़ियात और मसाइल से मुताल्लिक है। मेरी आवाज़ सुन आ रही है? ठीक है, अब आ रही है सही? ठीक है, इसके बेशतर मज़ामीन जंगे बदर और उसके वाक़ियात और मसाइल से मुताल्लिक है। ये जंग इस्लाम और कुफर के दरमियान पहला बाकायदा मौके की हैसियत, पहले बाकायदा मौके की हैसियत रखती है जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह मुबीन अता फरमाई और क़ुरैश मक्का को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दोचार किया। चुनाचे सूरत में अल्लाह ताला ने अपने इनामात भी याद दिलाए हैं और मुसलमानों ने जिस जानसारी के साथ यानी ये जंग लड़ी उनकी हिम्मत अफजाई फरमाई है। ठीक है, बास उन कमज़ोरियों की भी निशानदेही फरमाई है जो इस जंग में सामने आई और आइंदा के लिए वो हिदायत दी गई हैं जो हमेशा मुसलमानों की कामयाबी और फतह व नुसरत का सबब बन सकती हैं। जहाद और माल गनीमत की तकसीम के बहुत से अहकाम भी इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा इसमें चूंकि जंग बदर असल में कुफार के जुल्म सितम के पस मंजर में पेश आई थी, इसलिए इन हालात का भी जिक्र किया गया है जिनमें आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत का हुक्म हुआ और जो मुसलमान मक्का में रह गए थे उनके लिए भी ये जरूरी कहा गया कि वो भी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो अहकाम थे बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं जो हम आयतें पढ़ते जाएंगे, मैं आपको डिफाइन करती जाऊंगी। अब असल में चूंकि सूरत के बहुत से मज़ामीन जो हैं वो जंगे बदर के मुख्तलिफ वाक़ियात से मुताल्लिक हैं, इसलिए उनको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ कुछ बुनियादी मालूमात जो है वो आपको देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि असल में जंगे बदर का पस मंज़र है क्या। ठीक है, तो यानी शान नज़ूल सूरत का है क्या। इसमें बताया कि मक्का मुकर्रमा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुवत के 13 साल मुकीम रहे। ठीक है, इस दौरान मक्का मुकर्रमा के कुफार ने आप और आपके जानिसार सहाबा को तरह तरह से सताने और नाकाबले बर्दाश्त तकलीफें पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि हिजरत से ज़रा पहले आपको कत्ल करने का भी मंसूबा बनाया। ठीक है, जिसका जिक्र अभी इसी सूरत में आ जाएगा। जब आप सल्लम हिजरत करके मदीना मुनवरा तशरीफ ले आए तो कुफार जो थे वो फिर भी चैन से नहीं बैठे। ठीक है, उनको वहां फिक्र रही कि किसी तरह भी मुसलमानों को तंग करते रहे और उनको चैन से बैठने नहीं दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबी को मदीना मुनवरा में खत लिखा, ये यहूदियों का सरदार था, कि तुम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पनाह दी है, अब या तो तुम उन्हें पनाह देने से हाथ उठा लो वरना हम तुम पर हमला करें। ठीक है, अंसार में से औस कबीले के सरदार हजरत साद बिन मास, अब देखिए हुआ क्या कि अंसार के जो एक कबीले के सरदार थे हजरत साद बिन मास एक मरतबा मक्का मुकर्रमा गए तो ऐन तवाफ के दौरान अबू जहल ने उनसे कहा कि तुमने हमारे एक सरदार की पनाह में अगर तुम नहीं होते तो जिंदा वापस नहीं जा सकते थे। इसका मतलब ये था कि अगर आइंदा मदीना मुनवरा का कोई आदमी मक्का मुकर्रमा आएगा तो क्या होगा कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचा साद बिन माज ने इसके जवाब में अबू जहल
के जवाब में अबू जहल से कह दिया कि अगर तुम हमारे आदमियों को मक्का मुकरमा आने से रोकोगे तो हम तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी रुकावट खड़ी कर देंगे। यानी तुम तिजारती काफले लेकर, यानी साद बिन माज ने अबू जहल से कहा कि तुम तिजारती काफले लेकर मदीना मुनवरा के करीब से ही गुजरते हो, तो हम तुम्हारे काफले को रोकने और उन पर हमला करने में आजाद होंगे। जब उन्होंने उनको कहा कि अब जब तुम आओगे मक्का तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमको जाने नहीं देंगे, ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने भी कह दिया कि आपके भी तिजारती काफले आते हैं तो हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, आजाद होंगे हमला करने में। अब इसके बाद कुफारे मक्का के कुछ दस्ते मदीना मुनवरा के आसपास आए और मुसलमानों के मवेशी लूट कर ले गए। ये हालात चलते रहे। हालात के इस पस मंजर में अबू सुफियान, जो उस वक्त कुफार का सरदार था, एक बड़ा तिजारती काफला लेकर शाम गया। इस काफले में मक्का मुकर्रमा के हर मर्द और औरत ने सोना चांदी जमा करके तिजारत में शिरकत की गर्ज से भेजा था। यह काफला शाम से 100% नफा कमाकर सामान ला रहा था और 50,000 दिनार का सामान ला रहा था, ठीक है, यानी 50,000 पाउंड, यानी आज के लगाएं तो इतना बने, ठीक है, और इसके साथ 40 मुसल्ला अफराद इसकी हिफाजत पर मुतायन भी थे। जब आ हज़रत सल्लम को इस काफले की वापसी का पता चला, देखें दिनार क्या उस दौर में जो चलता होगा, गिन्निया दिनार, ठीक है, जैसे आज हमारा क्या है, रुपया है, यहाँ पर तो उस दौर में दिनार थे, तो 50,000 दिनार का सामान ला रहा था। तो इस काफले की वापसी का पता चला तो हज़रत साद बिन मास के चैलेंज के मुताबिक आपने इस काफले पर हमला करने का इरादा फरमाया, ठीक है, इसलिए बाकायदा सिपाहियों की भर्ती का मौका नहीं था कि बाकायदा कोई फौज जो थी वो जमा करते, हथियार जमा करते, ठीक है, इसलिए वक्त पर जितने भी सहाबा तैयार हो सके, इनकी तादाद कितनी थी, 313 थी। कुल 70 ऊंट और 2 घोड़े थे, 60 जरहें थी। इस मुख्तसर सामान के साथ आप मदीना मुनवरा से निकले। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बाज़ गैर मुस्लिम मुसन्निफीन ने इस वाक़े पर यह एतराज़ किया कि एक पुरामन तिजारती काफले पर हमला करने का कोई जवाब नहीं था। हमारे ज़माने के बाज़ मुसलमान मुसन्निफीन ने इस एतराज़ से मरूब होकर यह दावा करने की कोशिश की है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा काफले पर हमला करने का नहीं था, बल्कि अबू सुफियान ने अपने तौर पर ख़तरा महसूस करके अबू जहल के लश्कर को दावत दी थी। यानी उस वक्त के जो थे मुसन्निफीन जो भी, तो ये कह रहे थे कि यानी वो तो एक पूरा मन तिजारती काफला था, तो उस पर तो हमला करना ही नहीं चाहिए था, तो जो हमारे जो मुसन्निफीन थे मुसलमान, वो थोड़ा सा मरूब हो गए इस बात से, और उन्होंने कहा कि आप सल्लम का इरादा भी इस पर हमला करने का नहीं था। तो बात हकीकत ये नहीं है, बल्कि ये है कि ये एतराज़ उस वक्त के हालात, उस दौर के सियासी दिफाई और माशी ढांचे से बेखबरी पर है, यानी उनको सही बात का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये थी कि जो वाक़ ऊपर बयान, यानी अभी मैंने जो आपको ये सब चीज़ें बताई हैं कि उनकी रोशनी में, कि अबू जहल उनको धमकी दे रहे हैं, वो अबू जहल को बता रहे हैं कि भाई हम भी आज़ाद होंगे अगर आप हमारे साथ कुछ ऐसा करेंगे, तो कहना चाहिए कि एक दूसरे, दोनों ने जंग की हालत में थे दोनों, ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे को ना सिर्फ चैलेंज दे रखे थे बल्कि कुफार की तरफ से अमली तौर पर छेड़छाड़ भी शुरू हो गई, कभी मवेशी ले जा रहे हैं या और तरीके से सता रहे हैं, ठीक है। दूसरे हज़रत साद बिन मास पहले से उन्हें मुतनब्बे करके आए थे, यानी उनको बोलकर आए थे कि अगर आपने हमें सताया तो फिर हम भी आपसे उसका बदला लेंगे, ठीक है, आप पे हमला करने के आज़ाद होंगे। तीसरे, उस दौर में शहरी और फौजी अफराद की कोई तफरीक नहीं होती थी, किसी माशरे में जो भी बालिग मर्द होते थे वो मुकातला यानी लड़ने वाले कहलाते थे। चुनाचे काफले की सरकर्दगी अबू सुफियान के हाथ में थी, जो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन था, और इसके साथ 40 अफराद में से हर एक कुरैश के उन लोगों में से था जो मुसलमानों को सताने में पेश पेश रहे थे। ज़ाहिर है जब मक्का में थे तो जितने भी थे काफले में वो सब मुसलमानों को सताने वाले थे, ठीक है, और मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी भी कर रहे थे। और अगर ये काफला भी कामयाबी से मक्का पहुंच जाता तो कुरैश की जंगी ताकत में बड़े इजाफे का सबब बनता। इन हालात में इसको एक पुरमन तिजारती काफले पर हमला करार देना उस वक्त के हालात से नावाकफियत है, यानी उस वक्त के हालात यानी पता ही नहीं, और कह दिया कि नहीं नहीं आप सल्लम भी ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो पुरम तिजारती काफला नहीं था, बल्कि वो भी एक तरह से जंगी काफले कह सकते थे कि जब वो अपने मक्का मुकरमा जाता तो वो जंगी साजो सामान में इजाफे का ही बाइस बनता, ठीक है ना। तो अब बहरहाल यहाँ पर यही हुआ कि अबू सुफियान को जब आपके इरादे का अंदाजा हो तो उसने एक तरफ तो
एक तेज रफ्तार एलची अबू जहल के पास भेजकर एक यानी एक आदमी को भेजा कि अबू जहल के पास के इस वाकये की इतला की कि ऐसा इरादा है मुसलमानों का कि हम पर हमला कर रहे हैं, तुम फौरन अपनी फौजें लेकर आओ। तो अबू जहल ने क्या किया कि यानी अबू सुफियान ने अबू जहल को इस तरह दावत दी कि तुम अपने लाओ लश्कर के साथ मदीने तशरीफ लाओ, मदीने ले आ जाओ। और खुद ने क्या किया कि बहर अहमर के साहिर की तरफ निकल गया, अपने काफले का रास्ता जो था वो बदल लिया, बजाय मदीना से जाने के बहर अहमर के साहिल की तरफ निकल गया ताकि वहां से चक्कर काट कर मक्का मुकरमा पहुंच सके। अबू जहल ने इस मौके को गनीमत जाना और एक बड़ा लश्कर तैयार कर लिया 1000 लोगों का। और जब ठीक है, और लोहे में गर्क होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। आहदम को जब पता चला कि अबू सुफियान का तो काफिला लेकर निकल चुका है और अबू जहल का लश्कर आ रहा है, तो आपने सहाबा कराम से फिर मशवरा किया। तो सबने यही राय दी कि अब अबू जहल से एक फैसला कुन मौका हो जाना चाहिए। चुनाचे बदर के मकाम पर दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ। मुसलमानों की तादाद और साजो सामान अबू जहल के लश्कर के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता था, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मुसलमानों को शानदार फतह हासिल हुई। अबू जहल समेत कुरैश के 70 सरदार जो मुसलमानों की दुश्मनी में पेश पेश थे मारे गए और दूसरे 70 अफराद गिरफ्तार हुए और बाकी लोग जो थे वो मैदान से भाग खड़े हुए। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं, ये बदर के मामलात हुए कि किस तरह गज़वा बदर जो है वो पेश आया। अब हमारी जो आयात शुरू हो रही हैं, पहली आयत है हमारी यस अलू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यस अलू नका अनिल अनफाल कुल अनफालु लिल्लाहि वर रसूली फत्तकुल्लाह वास्लिहु ज़ाता बैनिकुम वातिउल्लाह वर रसूलहु इन कुंतुम मोमिनीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है, कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस आयत की तफसीर में क्या बता रहे हैं कि जंग बदर के मौके पर जब दुश्मन को शिकस्त हो गई तो सहाबा कराम 3 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। एक हिस्सा हज़रत सल्लम की हिफाजत के लिए आपके साथ रहा, दूसरा हिस्सा दुश्मन के ताकुब में रवाना हो गया, और तीसरा हिस्सा दुश्मन के छोड़े हुए माल गनीमत को जमा करने में मशगूल हो गया। ये चूंकि पहली जंग थी और माल गनीमत के बारे में कोई मुफसिल यानी तफसील से हिदायत भी नहीं आई थी, इसलिए इस तीसरे हिस्से ने यह समझा कि जो माल उन्होंने इकट्ठा किया है वो उन्हीं का है, और शायद ज़माने जाहिलियत में मामूल ऐसा ही रहा होगा। लेकिन जंग खत्म होने के बाद पहले 2 गुरुओं को ये ख्याल हुआ कि वो भी जंग में बराबर के शरीक थे, बल्कि माल गनीमत इकट्ठा होने के वक्त ज्यादा अहम खिदमत अंजाम दे रहे थे। ठीक है, तो आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ हुए। तो जब ये मामला जो था आनंद के पास पहुंचा तो ये आयत नाजिल हुई जिनमें बता दिया कि माल गनीमत के फैसले के माल के बारे में फैसले का मुकम्मल इख्तियार अल्लाह और उसके रसूल को है। चुनाचा बाद में इसी सूरत की आयत नंबर 41 में माल गनीमत की तकसीम के बारे में मुफसिल यानी तफसील से बयान कर दिया गया है और हिदायत दे दी गई है कि अगर मुसलमानों के दरमियान कोई रंजिश हो भी गई है तो उसके इस वजाहत के बाद उसे दूर कर लेनी चाहिए और बाहमी ताल्लुकात जो है वो दुरुस्त कर लेने चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगली आयत हमारी है आयत नंबर 2। इन नमल यानी इस समझ आ गई है कि अल्लाह का रसूल का माल है तो अल्लाह से डरें और आपस में सुलह रखें, यानी इस माल के लिए ना लड़ें, अगर ईमान रखते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलें। आगे आए थे इन नमल मोमिनूना लजीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानम व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अब यहाँ मोमिनों की सिफात बयान की जा रही हैं कि मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा कर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मोमिनों का जिक्र किया जा रहा है। ये ईमान वाले मोमिन कौन होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। ठीक है, उनके दिल अल्लाह के खौफ से
कांपने लगते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान जो है उसका दर्जा और बढ़ता चला जाता है, अल्लाह पर अपना ईमान और पक्का होता चला जाता है, और वो जो है वो अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं, यानी उनका भरोसा जो है वो अपने अल्लाह पर पूरा होता है। ये नहीं होता कि उनका ईमान कोई डानोडोल हो, ऐसा नहीं होता, हालात से किसी से भी घबरा कर कभी भी वो अपना भरोसा अल्लाह पर से ख़त्म नहीं करते। ठीक है, आगे आए थे الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। आगे क्या सिफत बयान कर रहे हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं, ठीक है, और जो माल अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यानी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फी सबीलिल्लाह खर्च करते हैं, ठीक है, नमाज तो कायम रखते ही हैं, लेकिन अल्लाह ने जो उनको माल दिया है, क्योंकि इंसान को अपने माल से बहुत मोहब्बत होती है, तो बता रहे हैं कि अल्लाह ने जो उनको माल दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, ठीक है, और यही जो है वो सच्चे मोमिन है। अब आगे देखिए आयत जो है वो क्या कह रहे हैं, उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, यही सच्चे मोमिन हैं और इनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। अब बता रहे हैं कि यही जो है वो असल ईमान वाले लोग ही होंगे, सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, और उनके लिए अल्लाह ताला ने इनके रब के यहाँ पास बड़े बड़े दर्जे हैं, ठीक है, इनके यहाँ बड़े बड़े मर्तबे हैं, दर्जे हैं, उनकी गलतियों की माफ़ी है और इज्जत व आबरू वाली, इज्जत वाली रोजी है, और उनके लिए यानी बख्शिश अल्लाह ताला ने रख दी है, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सच्चे मोमिन के लिए बयान की गई हैं। अब आगे जो आया थे वहाँ इसमें बता रहे हैं कि कमा अखरजा का रब्बू का मिन बैतिका बिलहक़ी व इन्ना फरीक़म मिनल मोमिनीना लकारी हूँ, उन लोगों को अपने घरों से इसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला, और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। ठीक है, अब इसमें देखें क्या बता रहे हैं कि जिन लोगों ने माल गनीमत, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जिन लोगों ने माल गनीमत जमा किया था उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये माल उन्हीं के पास रहे, लेकिन फैसला उसके बरक्स हुआ। अब उनको तसल्ली दी जा रही है कि इंसान की हर ख्वाहिश जो होती है अंजाम के एतबार से दुरुस्त नहीं होती, यानी बाज़ औक़ात हम कोई ख्वाहिश कर रहे होते हैं लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होती, वो वक्त गुजरने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ, हम कहते हैं ना बाज़ औक़ात शुक्र मैंने ये काम नहीं किया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंसान की जो हर ख्वाहिश है वो अंजाम के एतबार से दुरुस्त नहीं होती, उसे बाद में पता चलता है कि जो वाकया उसके खिलाफ ख्वाहिश के खिलाफ हुआ बेहतरी उसी में थी, और ऐसा ही है जैसे अबू जहल से जंग करने के मामले में हुआ, ठीक है ना, मदीना मुनव्वरा से निकलते वक्त चूँकि सिर्फ अबू सुफियान के काफिले पर हमला करना पेशे नजर था, ठीक है, यानी उस वक्त सबको यही था ना कि अबू सुफियान के काफिले से हम मुआरका हो जाए तो ज्यादा अच्छा है कि उनके पास जंगी सामान भी नहीं है इतना, लोग भी कम है, आराम से वो मगलूब हो जाएंगे, हम उनको उन पर गालिब आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसलिए कोई बाकायदा लश्कर भी नहीं तैयार किया था। इसलिए जब ये बात सामने आई कि अबू जहल एक बड़ा लश्कर लेकर मुकाबले पर आ गया है, तो बाद साहबा की ख्वाहिश ये थी कि अबू जहल से जंग करने के बजाय फिलहाल वापस चले जाए, ठीक है, फिलहाल वापस चले जाए, क्योंकि इस बेसरो सामाने की हालत में एक मुसल्ला फौज का मुकाबला मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ है, लेकिन दूसरे यानी मौत के मुंह में जाने के बराबर है, लेकिन दूसरे साहबा ने बड़ी पुरजोश तकरीरें की जिनसे आहदम बहुत खुश हुए, और जब आपकी मर्जी मालूम हुई तो सब ने जंग में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया, और बाद में साबित क्या हुआ, ठीक है ना, कि क्या तदबीर से घर से निकाला अल्लाह ने उनको, किस तदबीर से, कि अबू सुफियान से हो रहा है मुकाबला, जब वहां पहुंचे तो वहां अबू जहल का लश्कर था, और उस वक्त मोमिनों की एक जमान नाखुश थी कि हमें तो अबू सुफियान से करनी थी जंग, लेकिन जब सहाबा कराम ने कुछ तकरीरें की, जोश बढ़ा, और आप सल्लम की मर्जी भी यही मालूम हुई कि अल्लाह भी यही चाहता है, तो उस वक्त सभी राजी हो गए इस चीज के लिए कि जो अल्लाह और उसका रसूल चाहे, तो साबित क्या हुआ कि मुसलमानों का अजीम फायदा भी उसी में था, कि इस तरह क्या हुआ कि कुफर की कमर जो है वो तोड़ कर रख दी, ठीक, जैसे कि अगली आयत में बयान हो रहा है कि युजा दिलूना का फिल हकी बादा मा तबैना का अन्नमा युसकूना इलल मौती वहुम यंजुरून, वो लोग हक बात में इसके जाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और उसे देख रहे हैं,
यानी क्या था, हक बात थी ना ये कि अल्लाह ताला उन्हें, अल्लाह ताला तो उनको हक की तरफ लेकर जा रहा था। यानी इस तरह से उस वक्त ये लोग खतरे के सामना करने से घबरा रहे थे, हालांकि हक का मुतालबा उस वक्त क्या था कि खतरे के मुंह में ही चले जाएं। इस तरह आज जैसे माले गनीमत छोड़ना नागवार हो रहा था, हालांकि हक का मुतालबा यही है कि वो उसे छोड़े और हुक्म का इंतजार करते। यानी माले गनीमत उनके हाथ लगा और वो चाह रहे थे कि हमें ही मिलता, लेकिन हक का क्या मुतालबा था कि ये अल्लाह और उसके रसूल का माल है तो आप इसको छोड़ दें और जो भी वो फैसला करें तो उस पर मान लें। तो यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं कि अगर दूसरा के अगर अल्लाह की अतात करोगे और अपने नफ्स की ख्वाहिश के बजाय रसूल का कहना मानोगे तो वैसे ही अच्छा नतीजा देखोगे, जैसे अभी जंगे बदर के मौके पर देख चुके। अब तुम्हें लश्कर कुरैश के मुकाबले पर जाना सख्त नागवार था, लेकिन जब तुमने हुक्म खुदा और रसूल की तामील की तो यही खतरनाक काम तुम्हारे लिए जिंदगी का पैगाम साबित हो गया। ठीक है ना, बाहिर तो लग रहा था कि मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं, लेकिन जब उसका नतीजा क्या आया के मुसलमानों को फतह हुई और हमेशा के लिए उस फतह पे आपकी मोहर लग गई कि आप मुसलमान ही जो है वो हक पर है। ठीक है, जिंदगी का पैगाम साबित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बात बताई जा रही है कि उनको ये लग रहा था कि मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लोग हक बात के में इसके जाहिर हुए पीछे झगड़ने लगे, गोया मौत के मुंह में धकेले जाते हैं और उससे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब बिलाखिर जब आखिर आई ये हुई कि लश्कर जरार ही की तरफ चलना चाहिए, तो ये गुरु मदीने से ये ख्याल करता हुआ चला जाता है कि हम सीधे मौत के मुंह में हाके जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको फतेह मुबीन दे दी, लेकिन जाहिरी तौर पे उनको क्या लग रहा था कि हम सारे साजो सामान नहीं है तो हम तो वही मौत के मुंह की तरफ हाँके लिए जा रहे हैं, हमें इस चीज से थोड़ा सा परेशान थे। हम देखें आगे जो आए थे उसमें क्या बयान किया जा रहा है, वाइज यही दू को मुल्लाहू एहदत ताई फतेनी अन्नहा लकुम वतवदूना अन्ना गैरा जाते शौकती तकूनु लकुम वयुरीदुल्लाहू अयुहिकल हक्का बेकलीमात ही वयक्ता दाबिरल काफिरीन। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अभी जो अबू जहल के दो गुरुहों में से एक गुरुह तुम्हारा मुसक्कर हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान शौकत यानी बेहतियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ को काट फेंके। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ताला यानी उस वक्त को याद करवा रहा है कि जब अल्लाह तुमसे वादा करता था, यानी अल्लाह ताला का यही वादा था ना कि अबू सुफियान या अबू जहल दोनों में से कोई एक गुरु जो होगा जिस पे तुम गालिब आ जाओगे वो तुम तस्खीर कर लोगे, और लेकिन मुसलमान क्या चाहते थे कि जो काफिला बेशानो शौकत हो उसको हम वो करें। ठीक है, तो जो काफिला बेशान शौकत हो तो हम उसको भेज, यानी तुम तो यही चाहते थे। ठीक है, तो जो यानी कह रहे हैं कि उस वक्त को याद करोगे जब अल्लाह तुमसे इन दो जमातों में से एक का वादा करता था कि वो तुम्हारे हाथ आ जाएगी, यानी क्या था कि अबू जहल या अबू सुफियान का कोई एक गुरु है जिससे तुम्हारा मुकाबला होगा और तुम उन्हें तस्दीर भी कर लोगे, और तुम किस तमन्ना में थे कि जो गैर मुसलह जमा थे वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि अपने अहकाम से हक को हक होना साबित कर दे, यानी उस वक्त जो हक पर थे उसको हक साबित कर दे और जो बातिल है उनको बातिल साबित करके काफिरों की जड़ को काट दे। ठीक, तो इसी तरह से हुआ, अल्लाह के इसी तरह से अहकाम हुआ। तो आगे देखें आयत क्या है, तो आगे की आयत क्या कह रहे हैं कि लियो हिकल हक्का वयुबतिल बातिला वलो करिहल मुजरिमून, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ झूठ कर दे ताकि वो मुशरिक ना खुशी हो। यानी अल्लाह ताला तो ये चाहता था कि सच का सच सामने आ जाए और झूठ का झूठ पता चल जाए कि कौन हक पर है कौन ना हक है कौन हक है कौन बातिल है, इससे भले मुशरिक जो है वो नाखुशी क्यों ना हो रहे हों। ठीक, अब देखिए अगली आयत में क्या कह रहे हैं, कमा अखरजा का रब्बू का, कमा अखरजा का रब्बुका मिन बैतिका बिलहक्की
नहीं, आगे ये आयत है, इस्तग़ीसूना रब्बकुम फस्तजाबा लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। और जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस आयत की तफसीर में क्या बयान कर रहे हैं कि जिस वक्त तुम अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे थे, आप जंगे बदर की रात दुआ फरमा रहे थे कि या अल्लाह तू हमारी मदद करना या कुछ, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तसल्ली रखो कि हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। जब आप सल्लम ने सहाबा कराम को ये बताया, ख्वाब में भी दिखाया अल्लाह ताला ने, ठीक है, जब अल्लाह ताला ने यानी आपको वही के जरिए बताया कि 1000 फरिश्तों से हम तुम्हारी मदद करेंगे, और जब आप सल्लम ने सहाबा कराम को ये बात बताई तो सहाबा कराम के दिलों को इत्मीनान हुआ। उसके बाद आगे की आयत आ रही है, वमा जालहु जालहुल्लाहु इल्ला बुशरा वलितत्मईना बिही कुलूबुकुम वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अजीजुन हकीम। और इस मदद को अल्लाह ने महज बशारत बनाया था, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिल से इत्मीनान, तुम्हारे दिल से इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। यानी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस मदद को महज खुशखबरी सुनाया, क्योंकि अल्लाह ताला का जो अहकाम हो जाता है तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता, फिर आपके लिए आसानियां ही होती हैं, ठीक है, थीके? तो तुम्हारे दिल से इत्मीनान हासिल करें और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से, असल मदद तो अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ठीक है, ये हमारी आयत कंप्लीट हुई। अब आगे देखिए, अब देखिए, अब किसी अब एक बात जरा तमाम बच्चे गौर से सुन लें। आपने पहले मुझे बता दिया था कि आपने कॉपियां लेनी हैं, जिन्होंने अब तक नहीं ली वो कॉपियां लेंगे, उसके 3 हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा कुरानी आयत, हेडिंग डालेंगे कुरानी आयत सूरह अनफाल, ठीक, पहला पेज आगे और पीछे का पूरा छोड़ दीजिएगा। दूसरे पेज पर यानी ये टाइटल बना लिया, टाइटल के बाद वाला पेज पूरा छोड़ेंगे आगे पीछे का। उसके बाद जो आप अगला पेज जो होगा आपका, उस पे आप क्या लिखेंगे, पेज नंबर 11 पर आ जाएं, पेज नंबर 9 पर आ जाएं। अद-दरसुल अव्वल अलिफ लिखा हुआ है, सूरह अनफाल आयत 1-10, ठीक है। ये लिखने के बाद ये देखिए आपके आ रहा है अल कलिमातु वत्तरकीब, ये अल्फाज मैंने बुक से करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अल कलिमातु वत्तरकीब के बाद नीचे आपको अत्तमारीन लिखा हुआ आ रहा है, इसका सवाल है इस सबक में मोमिनों की क्या सिफात बयान की गई है, और दूसरा सवाल है दो ग्रोहों से क्या मुराद है, ठीक है। ये दोनों सवाल जो है इसके आंसर मैं गूगल क्लास में डाल दूंगी, आप वहां से खींचेगा इसको, ठीक। फिर है अस्सवालु सालिस, मुंदरजा ज़ेल इबारत का मफहूम बयान कीजिए। पहली इबारत है फत्तकुल्लाह व असलिहु ज़ाता बैनिकुम, ठीक है, पेज नंबर 9, बुक का पेज नंबर 9 पर आ जाए। इसमें देखिए इसका तर्जुमा है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो। फिर दूसरी आयत है अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मोमिनीन, इसका देखिए तर्जुमा, अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, ठीक। तीसरी आयत है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, इसका है और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। यानी ये तीनों आयतें जो हैं आपकी बुक में दी गई हैं, ठीक है, एक एक है पहली तीसरी लाइन में, दूसरी भी तीसरी लाइन से शुरू हो रही है चौथी लाइन तक, और फिर जो तीसरी आयत है वो चौथी आयत से शुरू होके पांचवी पे थोड़ा खत्म हो रही है ईमान अंत, ठीक। तो ये आप बुक से कर लेंगे दोनों काम, दोनों जो सवाल हैं वो आप कहाँ करेंगे, वो आप कॉपी पे करने हैं आपको, ठीक है। ये सब बुक से देखेंगे आप, पहले अल कलिमाते व तरकीब कीजिएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे इबारत का मफहूम कर लीजिएगा तीनों, फिर ये सवाल हैं आपके, और ये सवाल के जो जवाब है वो मैं आपके गूगल क्लास में डाल दूंगी, ठीक है। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, किसी को कोई सवाल करना है तो वो मुझसे कर ले। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया, कॉपी के 3 हिस्से करने हैं, पहला कुरानी आयत सूरह अनफाल लिखेंगे, उसके बाद वाला पूरा एक पेज आगे पीछे का पूरा एक पेज छोड़ दीजिएगा, वहां मैं आपको शान नुज़ूल दूंगी, ठीक है। उसके बाद वाले पेज से शुरू करना है दरसुल अव्वल अलिफ, ठीक है, आयात 1-10, उसका ये काम है। पहले अल कलिमाते व तरकीब करेंगे, उसके बाद इबारत का मफहूम करेंगे, फिर ये 2 सवाल हैं, इसके जवाब गूगल क्लास में डाल दूंगी, वो आप वहां से कर लेंगे, ठीक है। आयत वाला पोर्शन जो है थोड़ा मोटा बनाइएगा कॉपी में,
हदीस, फिर उसका हदीस वाला पोर्शन बनाएंगे, वो थोड़ा पतला रखिएगा, वहां पे लिखिएगा अहदीस, वो थोड़ा पतला रखिएगा। उसके बाद तीसरा पोर्शन बनेगा मौजूआती मुताला, वो थोड़ा सा जरा मोटा रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको अगर कोई चीज पूछनी है। ठीक है, तो इस तरह आपने कॉपी के तीन पोर्शन कर लेने, ठीक। और ये काम जो है ये कॉपी में ही करना है, और इसको गूगल क्लास में आप जब डाल देंगे तो मैं फिर उसको देख लूंगी। आप जिसको जो सवाल करना है वो कर लीजिए।